उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा की लिए सरकार की जो फ्री यातायात की स्कीम है उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी हैं और किसे आपको देनी होंगी, क्या क्या आपको लेकर के जाना है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप जो हैं अभी से तैयारी कर लें। साथ ही साथ इसके एडमिट कार्ड और अन्य जो आपको सुविधाएँ मिलने वाली हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा और लास्ट के 10 दिन में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि यूपी टेट आपका जो है आसानी से क्लियर हो सके, कम 100% मार्क्स आपके आ सकें। तो वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। यहाँ बात करते हैं तो देखिएगा, यूपी गवर्नमेंट की ओर से पहले ही जब आपका एग्जाम कैंसिल किया गया था तो घोषणा की गई थी के यात्रा जो है उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज बसें हैं उनमें फ्री की जाएगी। तो यूपीएसआरटीसी की ओर से जो बसें चलती हैं उनमें ये यात्रा फ्री होगी। आप जो है ध्यान से, यदि आप बस की यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान से पहले आप देख लीजिएगा कि प्राइवेट स्तर की बस तो नहीं है, क्योंकि ये जो सुविधा है ये यूपी गवर्नमेंट की बसों में मिलेगी जो अनुबंधित है या पूर्णतः सरकारी हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो सुविधा है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है, आयोग की ओर से जानकारी प्राप्त हुई है, तो ये जो है देखिएगा 22 जनवरी और आपको जो है 23 जनवरी और 24 जनवरी, ये 3 दिन आपको जो है इस यात्रा को जो है फ्री में आप कर सकते हैं और यात्रा केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही आपकी मान्य होगी। अर्थात उत्तर प्रदेश के अंदर आप जो है 22, 23 और 24 जनवरी को यात्रा कर सकते हैं। अब यात्रा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो क्या ज़रूरी होगा, तो देखिएगा आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की आपकी जो फोटो स्टेट होती है या आपकी जो पर्ची होती है वो आपको जो है यहाँ पर परिचालक को देनी होगी, यानी कि कंडक्टर को आपको जो है अपने एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी। अब जैसे कि आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एक फोटो कॉपी आप तब दे दोगे, या आपको कोई बस जो है दूसरे रूट की चेंज करनी है तो एक कॉपी उसको देनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से आपको जो है अपने स्तर की जैसे भी आपको बस चेंज करनी है आने और जाने की, तो कम से कम आप जो है उतनी कॉपियाँ अपने एडमिट कार्ड की रखें यदि आपको इस फ्री यात्रा का लाभ लेना है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया गया है कि एडमिट कार्ड के आधार पर ही आपको जो है यहाँ पर फ्री यातायात की सुविधा दी जाएगी और ये जो एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी है ये आपको कंडक्टर को देनी होगी। बात करें इसके एडमिट कार्ड की कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि 15 जनवरी की शाम को आपका जो है एडमिट कार्ड यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जारी कर दिया जाएगा, उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जहां तक बताया गया है कि 2532 सेंटरों पर आपकी जो है ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, पहले के मुकाबले यहां पर 3 सेंटर कम है, तो 2532 सेंटर हैं आपके, तो लगभग आपका जो सेंटर है ज़्यादातर संभावना यही है कि आपकी जो चॉइस आपने भरी हुई थी या आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसी में आपको जो है दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार को यात्रा का जो लाभ है वो कम से कम खर्चा है उस तरीके से भी मेंटेन करना है, तो आपको जो है सुविधाजनक सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसका पता आपको एडमिट कार्ड में लग जाएगा। यदि आपको अपने सेंटर का पता कहीं दूर का लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा या कोई अन्य दुविधा है। बात करें जिस तरीके से राजस्थान सरकार की योजना चली थी रीट को लेकर के, खाना फ्री और अन्य रहने की सुविधाएं भी फ्री थी और आपके लिए जो है यातायात भी बिल्कुल निःशुल्क था, तो लोगों ने मांग की थी उत्तर प्रदेश सरकार के कि आप भी बिल्कुल उसी तरह की या उससे बेहतर व्यवस्था कीजिए, लेकिन सरकार ने केवल स्पष्ट किया है कि यहाँ आपको केवल यात्रा फ्री दी जाएगी, अन्य जो भोजन या अन्य कोई सुविधा है वो सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी, यथावत आपको अपनी जो सुविधा के अनुसार है अपना धन खर्च करना होगा, अपना भोजन वगैरह उसका इंतजाम स्वयं करना होगा, तो ये केवल यात्रा ही आपको फ्री दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ पर सिलेक्शन से संबंधित आपके जो क्वालिफाई एग्जाम्स है वो कम से कम होना चाहिए तभी आप जो है आने वाली सुपर टेट की 97,000 भर्ती के लिए जो है पात्र माने जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए अंतिम 10 दिनों में ताकि आपका जो है 100% से प्लस में स्कोर बन जाए, तो देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज। यहाँ हमने कंटेंट को जो है सभी 5 पार्टों में बांटा गया है, चाहे आपका बाल विकास हो, हिंदी हो, संस्कृत या इंग्लिश की बात हो, गणित की हो या पर्यावरण की। तो यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100 से प्लस क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे,
कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें 20 से कम क्वेश्चन इन टॉपिक से आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ हम शुरुआत करते हैं बाल विकास से। तो सिद्धांत और शिक्षण विधियों की यदि बात की जाए तो सिद्धांत आपके जो है 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं, शिक्षण विधियों से भी आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आते हैं, बाल विकास से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और समावेशी शिक्षा के भी आपके जो है 4 क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो कुल मिलाकर के 20 से प्लस क्वेश्चंस इन टॉपिक से कवर होते हैं बाल विकास के अंदर आपके यूपी टेट में। हिंदी की बात की जाए तो व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं लगभग 12 क्वेश्चन, रचनाएं के क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, मुहावरे और लोक्तियां आती हैं 3 क्वेश्चनों के लिए, और वर्ण विचार जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि पै शब्द को कहां से बोला जाता है या कौन सा शब्द उष्ण है, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 से 5। तो कुल मिलाकर के यहाँ भी आपका कंट्रोल हो जाता है 20 से प्लस स्कोर। संस्कृत में रूप, विभक्ति और मुख्य शब्द जो इनको संस्कृत में बोला जाता है, चाहे आपकी गिनती हो या कुछ खाने या देखने का शब्द हो तो उसको संस्कृत में क्या बोला जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रचनाएं यहाँ पर आती हैं और व्याकरण का गान आपको यदि होता है तो कम से कम 20 स्कोर आपका आसानी से संस्कृत में बन जाएगा। वहीं इंग्लिश की बात की जाए तो ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 15 से 16 नंबर की ये आएगी। अनसीन पैसेज पर भी आप जो है इसके गौर कर सकते हैं। गणित में मुख्य टॉपिक्स जो है लाभ हानि है, 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, परसेंटेज के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, रेखा और कोण के भी आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी परेशान करते हैं अभ्यर्थियों के लिए, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको सरलीकरण से मिलेंगे, और संख्या पद्धति से भी आपको लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट मैथ हो जाता है लगभग 20 से प्लस स्कोर में यदि आप इन टॉपिक्स को भी कर लेते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनसे एक एक क्वेश्चन आता है और बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे नहीं भी आता है। बात करें पर्यावरण ज्ञान की तो इसमें जो है भूगोल से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौगोलिक स्थिति के बारे में, वनों के बारे में, आवास के बारे में, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी जो मौसम है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान के क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपसे आसानी से पूछे जाएंगे। विज्ञान में यदि बात की जाए तो विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन बायोलॉजी के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो आपकी शरीर से, मानव की प्रकृति से या जीवों की प्रकृति से संबंधित होते हैं, उनके शरीर के ज्ञान से संबंधित होते हैं। विविध सामान्य ज्ञान की यदि बात की जाए तो इसके भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या है कि आपसे कोई दिवस पूछ लेंगे या मुख्य रूप से किसी विशेष व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा या विशेष स्थान के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये टॉपिक्स आपके 100 प्लस मार्क्स के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन टॉपिक्स को जो है आप बड़े आसानी से तैयार करें। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी मिली होगी, अच्छा रहा होगा आपके लिए वीडियो। तो जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।